नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए चुनावी वर्ष है। ऐसे में लगातार बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। पहले नियोजित शब्द हटाने की बात कही गई, उसके बाद सेवा शर्त लागू करने की बात कही गई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तमाम शिक्षकों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। 22% वेतन की बढ़ोतरी की गई है तमाम नियोजित शिक्षकों की। तो अब नियोजित शिक्षकों का वेतन मान, भले ही वह जो मांग कर रहे थे वेतनमान को लेकर जो मांग कर रहे थे वह लागू नहीं हुआ है, लेकिन वेतन की वृद्धि कर दी गई है। 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ उसकी भी अब उनको उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो एक बड़ा ऐलान बिहार सरकार की तरफ से। आज जब बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई तो कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगा, जिसमें बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि की भी बात सामने आई। और अंततः सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, 22% वेतन वृद्धि की बात कही गई है। हालांकि यह वेतन वृद्धि का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है, कह दिया है सीधे तौर पर कि कोरोना संकट को देखते हुए और कोरोना काल में यह जो वेतन वृद्धि का लाभ फिलहाल नहीं दिया जा सकेगा, अप्रैल 2021 से इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो शिक्षक थे, तमाम बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे सरकार कब उनके वेतन को लेकर बड़ा फैसला लेगी। हालांकि पिछले दिनों 15 अगस्त को लेकर भी ये कहा जा रहा था, कुछ दिन बहुत बड़ा ऐलान शिक्षकों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि उससे ठीक 2 दिन पहले नियोजित शब्द हटाने की बात सामने आई थी। अब सरकार ने यह अहम फैसला ले लिया है, तमाम बातें सामने आई है, सेवा शर्त भी लागू होगी। सेवा शर्त के आने से, इसके लागू होने से ईपीएफ तमाम फायदे मिलेंगे, मतलब अब अनुकंपा पर आधारित नौकरी जो होती है वह भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ स्थानांतरण जैसी सुविधाएं भी होंगी, मतलब आप अपने हिसाब से ट्रांसफर भी करा सकेंगे। तमाम शिक्षकों के लिए यह एक बेहद खास खबर है। तो एक बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के लिए, जो लोग वेतन वृद्धि की आस लगाए हुए थे उनके लिए यह एक बड़ी खबर है। सरकार ने 22% वेतन वृद्धि कर दी है, भले ही यह अभी नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रैल 2021 से यह वेतन वृद्धि का लाभ मिलने लगेगा। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो